बुधवार को सुबह से ही मथुरा में हो रही बरसात से शहर में जगह जगह जलभराव हो गया। वहीं भूतेश्वर पुल के नीचे पानी भर जाने से राहगीरों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इधर लगातार बरसात की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्विस लेन के नाले भी उफन कर समस्या खड़ी कर रहे हैं। पिछले दिनों मौसम विभाग द्वारा 3 दिन के लिए जारी किए गए हाई अलर्ट के बाद भी मथुरा में ज्यादा बारिश नहीं हुई, लेकिन अब बिना किसी अलर्ट के हुई बारिश ने जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यूं तो मंगलवार की शाम से ही बूंदाबांदी होने लग गई, लेकिन बुधवार की सुबह तड़के से ही मथुरा शहर व जनपद के कई इलाकों में ठीक ठाक बरसात हुई। इस बरसात से शहर में कई दशकों से चली आ रही जल भराव की समस्या सामने आकर खड़ी हो गई। मथुरा शहर के भूतेश्वर रेलवे पुल के नीचे पानी जमा हो गया, जिससे पैदल चलने वालों के लिए समस्या खड़ी हुई। वहीं दोपहिया चौपहिया वाहन चालकों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ी। इसके अलावा पुराने बस अड्डे के समीप रेलवे का पुल, सौंख रोड, गोवर्धन चौराहा, महोली रोड फ्लाईओवर, मंडी चौराहा के समीप सर्विस लेन पर 1 से 2 फीट तक पानी जमा हो गया, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को भारी दिक्कत झेलनी पड़ी। इसके अलावा शहर के दर्जनों निचले इलाकों की कॉलोनियों में भी काफी जलभराव हो गया। शहर में जगह जगह हुए जलभराव से निजात दिलाने के लिए अभी तक नगर निगम द्वारा कोई ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे, जिसके चलते थोड़ी सी बारिश होने के बाद भी यह समस्या बड़े रूप में सामने आ जाती है।